डॉक्टर हर्षवर्धन मेरा ख्याल जितने भी इलेक्शन आज तक लड़े हैं, पहले 5 बार MLA रह चुके होंगे, उसके बाद 2014 में पहला आप सांसद का इलेक्शन लड़े और मंत्री बने केंद्रीय सरकार में, और जो भी काम जहां पर भी किया वो उसने अपने एक अमिट छाप छोड़ी है, और कार्यकर्ताओं की डिमांड पे के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से दोबारा से उन्हें यहाँ से हमारा उम्मीदवार बनाया है, और जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश है, एक तरफा जोश है कार्यकर्ताओं में, कार्यकर्ता उनको भारी बहुमत से 2014 से भी ज़्यादा मतों से जिता करके यहाँ से भेजेंगे। ये देखिए कि एक आदमी जिसे कुछ नहीं पता, मतलब जिस प्रकार की वो बात करता है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसके जवाब में मोदी जी ने एक ही बात कही, यदि आप चोर कह रहे हो तो मैं चौकीदार ही हूँ, और चौकीदार का काम चोरी करना नहीं, चौकीदार का काम है पहरा देना, और वो पहरा दे रहा है। और आज जिस प्रकार से हम अपने देश की सीमाओं को हमारी सेना से सुरक्षित समझ करके और हम चैन की नींद से सो रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर एक भी किसी भी तरफ से कोई घोटाले का किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। केवल 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी को, क्योंकि कुछ सहारा नहीं मिल रहा था, तो उसने एक एक जुमला छोड़ा, और ये जुमला उसका ये भी फेल हो गया, और अब सुप्रीम कोर्ट से उसको जिस प्रकार की फटकार लगी है कि आप चौकीदार चोर नहीं कहोगे, ये आपका बहुत गलत है और देश की इससे आप कमी कर रहे हो, तो इसके बाद उसे माफ़ी मांगी है। और मैं समझता हूँ कि आज बच्चा बच्चा ये समझ रहा है देश का कि मैं चौकीदार हूँ, और चौकीदार होना अपने आप में गर्व की बात है। समर्थन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ मोदी जी की बात है, पहले जो मोदी जी के नाम वोट मिले थे वो उनके नाम को मिले, और 5 साल मोदी ने जो काम किया है, दुनिया ने देखा है किस प्रकार मोदी जी ने सभी बात में जो लास्ट में लगा हुआ लाइन में उस तक उसका फायदा सब हमारा जो देश ये इतना बर्बाद हो चुका है, जो हम सुनने की चिड़िया उसको भूलते थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वैसी चिड़िया होने की थी यहाँ पर, और जो इतना डाउन होता होता आज ही आया है कि मोदी जी ने जो हुकूमत लाई है देशों में, देश के अंदर देश का नाम ऊंचा किया है, तो आने वाले समय में मोदी जी से लोग आशा करते हैं कि वो 5-10 साल रहेंगे तो देश को आगे ले जाए। बाकी शानदार बाकी जहाँ बात है यहाँ पर शानदार बात का, तो मैक्सिमम समर्थक भाजपा के रहे लोग, साफ सिंह वर्मा के टाइम पर भी यहाँ मैक्सिमम जीते थे वो लोग, पिछली टाइम पर भी, इस बार भी हर्षवर्धन जी शानदार पार्टी को हुकूमत जीतेंगे, और मोदी जी का तो नाम हर चीज में है ही है, हर बच्चा मोदी जी। पिछली बार से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के चुनाव रहेगा, और पिछली बार से भी मार्जिन बढ़ के रहेगा। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं कि क्या नाम है, 2014 के अंदर कुछ कामों की कमियां रही होंगी, तो उसके किस तरह से लोग डॉक्टर साहब की कोई भी काम की यहाँ पे शालीमार बाग विधानसभा में कोई भी एक भी काम की कमी नहीं रही। लगभग 25 वर्ष से दिल्ली की सेवा में है, वो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहे, MP भी यहाँ से हैं, लगातार सक्रिय रूप से बने रहे। जितने सक्रिय डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि मंत्री रहते हुए भी उनका अपने पूरे क्षेत्र के अंदर संबंध बना रहता है, क्योंकि वो ग्रॉस रूट के कार्यकर्ता है। वो तो ऐसा करते थे, अगर किसी कार्यकर्ता का फ़ोन भी गया है तो उसको काउंटर फोन करके पूछते थे कि बताइए क्या है। शालीमार बाग के सारी RWAs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर के प्रधान, और हमारे जो स्पोर्ट्स क्लब बने हुए हैं उसके भी यंगस्टर मतलब मैक्सिमम आए हुए थे, और डॉक्टर साहब को सब बहुमत से जिताना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब एक अच्छी छवि वाले और ईमानदार आदमी हैं, और सब आदमी डॉक्टर साहब के साथ तन मन धन से लगते हैं।